नमस्कार साथियों, आ जाओ जल्दी से। आपकी DLED प्रथम सेमेस्टर का एक और नई क्लास शुरू हो गई है। जैसा कि आपने क्लास नंबर 35 देखा था, उसमें हमने एडवांस मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए थे, और इसमें कुछ और अभी बचा हुआ है, उसको भी आज पूरा कर देते हैं। समबाहु बहुभुजों के बीच, यानी इसे ऐसे कह सकते हो, सम बहुभुजों के बीच वृत्त बनाना, यानी कि दो तरह से इसमें बनेंगे, एक अंतर्गत बनेगा, एक परिगत बनेगा। अंतर्गत मतलब होता है उसके अंदर में, और परिगत मतलब बाहर बाहर। जैसे अगर एक कोई वस्तु हम लें, मान लीजिए कमरा है आपका, रूम जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, तो आप उसमें कोई चीज़ एक गोला खींचिए जो कि कमरे के अंदर में रहे, कहने का मतलब बाहर नहीं, कमरे में, तो वो अंतर्गत कहलाएगा। लेकिन अगर आप कमरे के बाहर बाहर, मतलब मकान के बाहर चारों तरफ से लाइन खींचे, चारों तरफ मकान के घूम घूम के, तो वो बाहर से क्या कहलाएगा, परिगत कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहला हम देखेंगे वर्ग, यानी कि स्क्वायर के अंदर से और बाहर से वृत्त बनाना, कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, अंतर्गत और परिगत। दूसरा हम देखेंगे समष्टभुज, समष्टभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त खींचना। उसके बाद देखो, ये अंतर्गत है एक एक परिगत है। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत, और त्रिभुज में एक और भी होता है बहिगत। ये बहिगत क्या होता है, नया नमूना है, इसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और हाँ, बीच में स्किप मत करिएगा और ना ही इसको काटिए पीटिएगा, पूरा देखिएगा, एक तरफ से देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्ग के अंतर्गत वृत्त खींचना। चलिए देखिए, इस तरह से आप एक पहले वर्ग बना लीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर। इसके बाद अब देखिए इसमें कैसे हम सभी वृत्त खींचेंगे, यानी कि सर्कल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इनमें से कोई भी दो भुजाओं का लंबार्धक कर लीजिए। लंबार्धक करना आपको आता है, जो भुजा दी गई है इसमें आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के इधर से चाप लगाइए, और फिर इधर से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के इधर से ऐसे चाप लगाइए। जहाँ पर कटेगा उसे ऐसे मिला देना है, कैसे ऐसे मिला देना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ए बी का लंबार्धक कर लिया, लंबार्धक मतलब इन भुजाओं को आधा आधा फिर से काटें। अब ए डी का लंबार्धक करेंगे, यहाँ पर आप प्रकार रख के ऐसे काटेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, और फिर वही त्रिज्या, कम ज़्यादा नहीं करना है, इधर रख के ऐसे मारेंगे तो बीचों बीच से कटेगा, और जब ये कटेगा तो इसे आप ऐसे मिला देंगे। ये कहीं पर जा करके बीच में दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, और उसका नाम आप ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ओ। माना कि जहाँ पर ये कट रहा है ये पी है, और जहाँ पर ये कट रहा है वो क्यू है, हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मान करके तथा ओ पी इतनी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या ओ पी ही त्रिज्या लेकर के बनाएंगे, ओ क्यू नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर हैं। आप चाहे ओ पी के बराबर की त्रिज्या ऐसे नाप लीजिए, पटरी प्रकार रख करके, जानते हो ना, कंपास और प्रोटेक्टर वगैरह ऐसे रख करके ऐसे नाप लीजिए, और फिर यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे घुमा देना है, पूरा समझ रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर रख करके ऐसे घुमा देना है। तो जब यहाँ से आप रख के घुमाओगे तो ये इसको टच करता हुआ, किसको, वर्ग की चारों साइड ऐसे टच करता हुआ ऐसे ये घूम जाएगा, और यही वो वृत्त है जिसे हमें बनाना था। इसे आप लिखोगे कैसे, मैं पूरा तरीका बता दे रहा हूँ, आप सभी लिख लेना, सुन लीजिए अच्छे से और लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वर्ग हमें ज्ञात था, क्योंकि कह रहा था कि वर्ग के अंतर्गत वृत्त बनाना है। तो आप लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी की भुजाओं ए बी व ए डी का लंबार्धक ज्ञात किया, ठीक है। वर्ग ए बी सी डी की भुजाओं ए बी व ए डी का लंबार्धक ज्ञात किया, उसके बाद क्या किया, लंबार्धक ज्ञात हो गया ना, फिर इसमें एक लाइन और भी लिख लीजिए, जो कि ए बी को बिंदु पी पर और ए डी को बिंदु क्यू पर काटते हैं, ठीक है। ओ क्यू व ओ पी को मिलाया, तत्पश्चात यानी इसके बाद ओ पी के बराबर नाप की त्रिज्या लेकर के तथा केंद्र ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, यही वृत्त के अंतर्गत बना
सॉरी यही वर्ग के अंतर्गत बना अभीष्ट वृत्त होगा। बात समझ में आई ना? नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताना। अगर आप इसे डेमो के रूप में देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें और PBR स्टडी ऐप इंस्टॉल करें जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट क्लास मिल सके। और अगर आप ऐप में देख रहे हैं कोई तब भी आपको समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर उसे लिख भेजें। अगला देखिए, चलिए अब दूसरा देखते हैं। वर्ग के परिगत वृत्त खींचना, मतलब अभी आपने देखा था कि वर्ग के अंदर वृत्त कैसे खींचते हैं, अब हम देखेंगे वर्ग के बाहर कैसे वृत्त खींचते हैं। मतलब एक ऐसा वृत्त खींचेंगे जो इसको टच करते हुए चारों तरफ से जाए, बाहर से लेकिन अंदर से नहीं। ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए गए वर्ग के विकर्ण को एक दूसरे में ऐसे पहले विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, विकर्ण आप जानते हो ना, इसे इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो हमने AC विकर्ण खींच दिया और दूसरा BD विकर्ण खींच दिया। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उस पर हम O लिख देंगे। ठीक है, और हाँ एक सबसे बड़ी खास बात है, वर्ग हो या फिर आयत हो, उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। जैसे अगर ये विकर्ण की लंबाई टोटल 4 है तो जहाँ पे कट रहा है ये 2 होगा। अगर इसकी टोटल 4 इसकी भी होगी, चूँकि बराबर ही होंगे, ज़्यादा कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भुजाएँ भी बराबर होती हैं, तो ये बराबर बराबर दूरी पर समद्विभाजित करेंगे आधे पर। फिर क्या करेंगे, इस O को केंद्र मान करके तथा OB, OC, OA या फिर OD कोई भी एक त्रिज्या नाप लीजिए, सब बराबर है चारों। तो हम लिख लेते हैं, चलो OA नाप की त्रिज्या लेकर के और ऐसे एक वृत्त खींचेंगे O पर रख करके, जो कि इस दिए गए वर्ग के ऐसे बाहर बाहर होते हुए ऐसे ये जाएगा, टच करते हुए जाएगा चारों तरफ से। यही अभीष्ट वृत्त कहलाएगा जो कि वर्ग के परिगत खींचा गया है। लिखेंगे कैसे, इसको बना लिया ना आपने, इधर साइड में आप लिखेंगे भी, थोड़ा सा लिखना है बस, ज़्यादा नहीं लिखना है। लिख लीजिए वर्ग ABCD, वर्ग ABCD के विकर्ण AC व BD को मिलाया, या फिर रचना लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे, लेकिन इसमें रचना लिखा नहीं जाता वैसे, आप ऐसे लिख लेंगे। सीधी सी बात है कि वर्ग ABCD के विकर्ण AC व BD को मिलाया, ये विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं नहीं लिखना, रेखागणित की भाषा में प्रतिच्छेदित करना बोलते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, यही वर्ग के परिगत खींचा गया अभीष्ट वृत्त होगा। अभीष्ट मतलब होता है सही, ये हिंदी लैंग्वेज है। अगला देखिए समष्टभुज। समष्टभुज के अंतर्गत वृत्त कैसे बनाएंगे या परिगत वृत्त कैसे बनाएंगे, पहले तो हम ये जानेंगे समष्टभुज क्या होता है। जैसे आप जानते हैं चतुर्भुज 4 भुजाएं होती हैं, वैसे समष्टभुज में 6 भुजाएं होती हैं। कैसे खींचते हैं समष्टभुज, ध्यान देना। सबसे पहले आप 2 समांतर लाइन खींचेंगे, दोनों के बीच में जगह होनी चाहिए जिससे कि उसे खींचा जा सके। सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, हमारी टेढ़ी मेढ़ी भी हो रही है हल्का फुल्का, है ना, तो अच्छे से आप पटरी वगैरह की सहायता से सीधी सीधी 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद ऐसे यहाँ खींचेंगे, फिर इसको यहाँ मिला देंगे। इधर साइड में भी ऐसे ही करना है, ऐसे खींच के ऐसे मिला देना है। देखो ये समष्टभुज बन गया, 6 भुजाएँ हो गई। यहाँ पर आप नाम लिख लो, चाहे कुछ भी लिख सकते हो नाम में, ABCDEF या PQRST। तो हम स्टार्ट करते हैं A से, ABCDEF, ये हो गए नाम। अब इसके अंदर अगर वृत्त खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखना, पूरा देखना, आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई ना कोई चित्र दे करके। आपको ये फिगर दिया होगा, दिए हुए समष्टभुज के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए, और अगर उसमें लिखने को आए कि रचना भी लिखिए तो जैसे जैसे बनाए वो लिख लेना है बस। इसमें से दी गई जो भुजाएँ हैं जैसे AB BC CD DE EF या AF, किसी भी 2 भुजा का लंबार्धक कर दीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 2 भुजा AB और ये BC का लंबार्धक कर दिया। लंबार्धक करना जानते हो ना, यहाँ पर प्रकार रख करके ऐसे आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के चाप लगाना, और फिर इस त्रिज्या का जो ये जितना प्रकार रहेगा उसे कम ज़्यादा नहीं करना,
इधर साइड रख के इधर भी लगाना, फिर जहाँ पर दोनों कटेंगे उनको आप ऐसे मिला दोगे सीधा सीधा। वही प्रक्रिया इसमें भी करोगे तो इसमें भी क्या करोगे, ऐसे सीधा सीधा मिला दोगे। जहाँ पर ये दोनों काटेंगे उसका नाम केंद्र पर कुछ भी लिख देना, जैसे मैंने ओ लिख दिया। उसके बाद ये जहाँ कट रहा है, मान लो पी पे कट रहा है, ये मान लो क्यू पे कट रहा है, पी क्यू सॉरी ओ पी या पी ओ या फिर क्यू ओ के बराबर की दूरी कोई भी चाहे से नाप करके त्रिज्या लेना और यहाँ पर प्रकार रख करके ऐसे घुमा देना है, जैसे अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था किसमें, वर्ग वाले में। और फिर ये जो वृत्त बनेगा इसे चारों तरफ से स्पर्श करता हुआ जाएगा और यही क्या कहलाएगा, आपका अभीष्ट वृत्त कहलाएगा। और हाँ एक बात और ध्यान देना, ये हर जगह नहीं टच करेगा, ये जैसे यहाँ से निकलेगा ना, ये थोड़ा सा मैंने खींचते समय गड़बड़ कर दिया, जैसे इसे आप ऐसे खींचोगे तो ये यहाँ टच करेगा यहाँ और ये यहाँ, ऐसे कोने कोने पे नहीं टच करेगा। जब आप प्रकार से खींचोगे सिस्टम से तो आएगा सही, हम हाथ से खींच रहे हैं ना, ऐसे प्रकार रख के ऐसे घुमाओगे तो सही सही नापोगे तो सब आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर भी बताया जाएगा। लिखेंगे कैसे, इसमें वही लिख लो जो अभी तक हमने लिखा है। माना ए बी सी डी ई एफ एक समष्टभुज है, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम दी हुई नाप का एक समष्टभुज बनाया, वो तो मैंने पहले ही बनाया था, आपने देखा था कि आपके हो सकता है एग्जाम पेपर में समष्टभुज बना बनाया आएगा, बनाया रहेगा कि इसके अंतर्गत वृत्त बनाइए। अगर नहीं बना रहेगा तो आप बना लेना, तो रचना वैसे इसमें तो नहीं लिखा जाता फिलहाल बस, हाँ लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बगल में डिस्क्राइब किया जाएगा कैसे बनाया है, ठीक ना, जिससे एग्जामिनर को अगर नहीं पता है तो उसको मालूम हो जाए कि हाँ क्या क्या किया था आपने, समझ रहे हो ना। तो चलिए फिर से सुन लीजिए, उसके बाद आगे लिखिए, किन्हीं दो भुजाओं का लंबार्धक किया, ब्रेकेट में लिख लेना दो भुजाओं ए बी और बी सी, हमने यही किया है तो इसको हम ब्रेकेट में लिख लेंगे, बाकी आप जो करेंगे, मान लो आप ए एफ या डी ई का लंबार्धक कर रहे हैं तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो भुजाओं का लंबार्धक किया, लंबार्धक पी क्यू, पी क्यू दो ही तो किया था ना हमने, हाँ वही किया था, लेकिन हमने नाम अलग लिखा था, इसमें थोड़ा अलग लिखा है, हमने नाम लिखा था पी ओ और ओ क्यू नाम लिखा था, तो आप लिखोगे लंबार्धक पी ओ भुजा बी सी को, लंबार्धक पी ओ भुजा बी सी को बिंदु कहाँ पर काटता है, यहाँ पर एक कोई और नाम लिख लो, यहाँ पर P, यहाँ पर P1 लगा दो, ठीक है, बी सी को P1 पर काटता है, ये मैंने P1 लिख दिया, ठीक है। बस इसके आगे लिख लो ओ ओ पी वन के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, यही अभीष्ट वृत्त होगा, यही समष्टभुज के अंतर्गत खींचा गया अभीष्ट वृत्त होगा। देखिए लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया, इसके बाद आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर समझ गए तो कैसे लिखना है आप इसे खुद समझ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इसमें अगला है समष्टभुज के परिगत वृत्त खींचना। जैसे अभी आपने देखा था समष्टभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना मैंने आपको बता दिया, और इसके पहले आपने देखा था वर्ग के परिगत वृत्त खींचना ना, तो वैसे सेम टू सेम करना है परिगत वाले में, आपको एक समष्टभुज बनाना है, समष्टभुज की सभी छः भुजाओं का लंबार्धक कर देना और सभी छः भुजाएँ जहाँ पर एक जगह काटेंगी उसमें से कोई भी एक त्रिज्या को केंद्र लेकर के अगर आप वृत्त खींचेंगे तो वो समष्टभुज के बाहर बाहर जाता हुआ एक वृत्त होगा। इसे आप खुद से करना नहीं आएगा तो बताना। अगला जो हम करने वाले हैं वो है त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचना और त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है उसका केंद्र कहाँ स्थित होता है, ये अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग जगह पर स्थित होता है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसका केंद्र त्रिभुज के बीच में होता है, अंदर में होता है, लेकिन अगर एक अधिक कोण त्रिभुज बना है, जैसे आप देख रहे होंगे ये एक त्रिभुज, मैंने एक कोण बना दिया या फिर एक त्रिभुज ही मान लो आप,
तो अगर इसको हम ऐसे मिलाएंगे, आप ध्यान से देखना, तो इसका अगर हम केंद्र देखेंगे तो वो त्रिभुज के अंदर नहीं होगा। केंद्र का मतलब आप जानते हो ना, सेंटर, ये यहाँ कहीं होगा, मतलब इसके बाहर होगा, जहाँ से रख करके इसको मिलाया जा सके तो पूरा पूरा ये कवर हो। तो कहने का ये मतलब है कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, तथा समकोण त्रिभुज का केंद्र कर्ण पर स्थित होता है। जैसे अगर एक मैंने समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाया, ध्यान दीजिए, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका अगर केंद्र बोलेंगे सेंटर, तो वो सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण पर स्थित होगा। सेंटर का मतलब आप जानते हो ना, चारों तरफ से बराबर हो, उसे ही सेंटर बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना टॉपिक क्या है, कि त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचना। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक आप जानते हैं, प्रकार में इस दी गई भुजा से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के इधर से एक चाप लगाएंगे, फिर ये प्रकार ना ज़्यादा हो ना कम, वैसे ही उतना ही फैला रहेगा, दूसरी साइड से रख के ऐसे त्रिज्या लगाएंगे। यही प्रक्रिया आपको तीनों भुजाओं पर करना है। जब आप इसे ऐसे मिलाओगे और इधर वाला ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, तो ये तीनों एक ही जगह पर काटेंगे। अगर आप इसे प्रकार से करोगे तो एक ही जगह पर एकदम करेक्ट आएगा। जहाँ पर ये काटेंगे उस पर P लिख देना या O कुछ भी लिख देना, जो भी आपका मन करे, कोई भी वेरिएबल लिखना है A से Z के बीच। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, उसके बाद ये जहाँ पर कट रहे हैं इनके कुछ नाम लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया PQR। अब आप चाहें तो OP, OQ या OR, कोई भी एक त्रिज्या लेकर के, कोई भी क्या करेंगे, एक त्रिज्या लेकर के इसको खींचेंगे, मिलाएंगे, और जब आप इसको मिलाएंगे तो ये इस दिए गए त्रिभुज के परिगत खींचा गया वृत्त होगा। अभी इसको हम थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं, आप जितना बना है इतना बना लीजिए, फिर आपको बताएंगे इसके आगे। बनाइए जल्दी से। इसमें थोड़ा सा आपको ये चेंजिंग करना है कि जो आप त्रिज्या लेंगे वो तो मैंने आपको बताया, वो तो आपको करना ही है, लेकिन आपको ये त्रिज्या ना साथियों, ये आप अगर इसको लेकर के नापेंगे OP या OQ या OR, तो ये वृत्त के, इस त्रिभुज के परिगत वृत्त नहीं होगा। आपको त्रिज्या ये लेना है, OB या OA या OC की त्रिज्या लेना है। अगर आप इतनी त्रिज्या लेंगे और फिर यहाँ केंद्र पर प्रकार रख के ऐसे घुमाएंगे, तो ये इसको टच करता हुआ चारों तरफ से खींचा गया वृत्त होगा। बात समझ में आई ना, कैसे करना है? अगर कहीं भी पूछा जाए कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचना है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, तीनों भुजाओं का लंबार्धक करना है। लंबार्धक करने के बाद आपको त्रिभुज का केंद्र पता चलेगा। केवल केंद्र के लिए ही हम लंबार्धक करते हैं, केंद्र कहाँ पर है, इसका सेंटर कहाँ पर है, वो मिल जाने के बाद आप क्या करेंगे, केंद्र से किसी भी एक बिंदु का आप त्रिज्या नाप लेंगे, चाहे OA या OC या OB। उसके बाद O पर रख करके ऐसे घुमा देंगे प्रकार, जो आपका वृत्त बनेगा वो इसके परिगत खींचा गया वृत्त होगा। इसके बाद अगला आप देखेंगे इसके अंतर्गत, अंतर्गत वाला शायद इसके पहले भी मैंने आपको अभी बताया था, जैसे वैसे ही होगा, देख लीजिए उसको भी, इसमें भी आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी ऊपर हमने किया था, सब कुछ वैसे ही करना है, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वही इसमें लगाना है। जैसे एक त्रिभुज आपको दिया रहेगा या बना लीजिएगा, उसके बाद तीनों भुजाओं का लंबार्धक करेंगे, इसको मैंने आपको बता दिया है। जब आप इसका लंबार्धक करेंगे तो तीनों एक ही जगह पर काटेंगे, और जिस जगह पर काटेंगे वो त्रिभुज का सेंटर होगा, यानी कि केंद्र होगा। उसके बाद साथियों एक बात आप इसी में दोनों समझ लीजिए, अगर आपको त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचना है तो जो आप त्रिज्या लेंगे वो यहाँ केंद्र से इस बिंदु का लेंगे, जो त्रिभुज का मुख्य बिंदु है, चाहे OA, इस पे देखिए, जैसे अगर मैंने A लिख दिया, ये B, ये C, यहाँ पर हमने केंद्र पर O लिख दिया। अगर वृत्त के वर्ग वो सॉरी त्रिभुज के परिगत खींचना है तो आप OA त्रिज्या लेंगे या OC लेंगे या OB लेंगे। तो आप जब वृत्त खींचेंगे तो वो त्रिभुज के चारों तरफ बाहर से होता हो जाएगा। अगर अंतर्गत वृत्त खींचना है तो क्या करेंगे, तो ये जहाँ पर समद्विभाजक आपके कट रहे हैं, त्रिभुज की भुजाओं को जहाँ पर काट रहे हैं, जैसे मान लो कि ये PQR पर काट रहे हैं, तब आप ये वाली त्रिज्या नापेंगे, ये OP या OQ या OR। जैसे मान लेते हैं कि OR दूरी की त्रिज्या ले लिया, तब जब आप इसे घुमाओगे यहाँ पर केंद्र पर रख करके, तो जो ये वृत्त बनेगा
वो इस त्रिभुज के अंतर्गत बनेगा, यानी अंदर में बनेगा, बाहर से होता हुआ नहीं जाएगा। इस तरह से आपने त्रिभुज, समष्टिभुज और वर्ग के अंतर्गत तथा परिगत वृत्त बनाना खींच लिया। इसके बाद इसमें एक और बचता है, त्रिभुज के बहिगत वृत्त खींचना। अब बहिगत का मतलब क्या होता है? ये ना तो अंदर होता है ना बाहर होता है, फिर होता कहाँ है? देखिए अभी आगे, जब आप कोण पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा बहिष्कोण, तो उसी बहिष्कोण पर आधारित ये होगा। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद इन त्रिभुज में आप देखेंगे बहिष्कोण भी होता है इनमें, ये जो बाहर बनता है, और आप ये तीनों तरफ निकाल सकते हैं, तीन बहिष्कोण होते हैं, है ना। इधर भी देखिए एक बहिष्कोण होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे कि इसका नाम आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर देखो यक्ष लिख दिया, यहाँ पर वाई लिख दिया। अब इस त्रिभुज के दो बहिष्कोण बन गए, एक कौन सा बना? ए सी एक्स, और एक बन गया सी ए वाई, बन गया ना। अब इन बहिष्कोणों का लंबार्धक करेंगे आप। कैसे करेंगे वो तो मैंने आपको बहुत पहले सबसे शुरू में बता दिया, लंबार्धक कैसे करेंगे। जब आप इन बहिष्कोणों का लंबार्धक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऐसे जाएगी भुजा और ये ऐसे जाएगी, ये कहीं एक जगह पर आकर के काटेंगे, काटेंगे ना, दोनों एक ही जगह पर काटेंगे। और जब ये दोनों एक ही जगह पर काटेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी मान लीजिए कि ओ लिख लिया हमने, अब आप इसका जब त्रिज्या लेकर के खींचेंगे ओ ए या ओ सी की, तो आप देखेंगे ये जो एक वृत्त बनेगा वो इनकी भुजाओं को टच करता हुआ ऐसे बनेगा, और यही क्या कहलाएगा? बहिगत वृत्त कहलाएगा। ये ऐसे जाएगा। लिखने की पूरी प्रक्रिया आप सीख ही चुके हैं जो मैंने आपको बताया, इसमें अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बनाने का तरीका यही था। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के दो बहिष्कोण आपको निकालने हैं, उसके बाद उन बहिष्कोण का लंबार्धक करना है, लंबार्धक करके केंद्र से और भुजा की दूरी का त्रिज्या लेकर के आपको एक वृत्त खींचना है। यही दिए गए त्रिभुज के बहिगत वृत्त की रचना होगी। तो इस तरह से आपने देख लिया, किसी दिए गए वर्ग के अंतर्गत वृत्त खींचना, समष्टिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना, और परिगत भी मैंने बता दिया सब में, और त्रिभुज के अंतर्गत परिगत एवं बहिगत वृत्त की रचना करना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो आप PBR स्टडी ऐप को इंस्टॉल करें और उस पर पूरा कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास को ऐप्स में देख रहे हैं और आपने कोर्स को पहले से ले रखा है तो आप इसका नोट्स बनाइए और एक तरफ से ईमानदारी से पढ़िए, जितना कराया जाए अभ्यास उससे ज़्यादा करिए। अगर आप एक सवाल बताया जाएगा तीन सवाल लगाएंगे तो आप अच्छा नंबर पाएंगे, अगर इसमें पाँच बताया जाएगा आप दो पढ़ेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए आप पूरा करें और नोट्स बनाएं और ईमानदारी से रेगुलर पढ़ें, क्योंकि बहुत से छात्रों ने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन मैंने देखा अभी तक उन्होंने केवल 15-20% क्लास देखा है, बाकी के नहीं देखा है। तो नहीं देखेंगे वो तो हमारे पास कोई और दूसरे उपाय नहीं है, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को।